सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि सीरिया एक और रासायनिक हमले की साजिश कर रहा है। उसने इसके खिलाफ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को चेताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि असद सरकार की गतिविधियों से लग रहा है कि वह एक और रासायनिक हमले की साजिश कर रही है। उसकी गतिविधियां अप्रैल में उसके द्वारा किए गए रासायनिक हमले से पहले जैसी ही हैं। हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमले का आदेश दिया था। अमेरिका ने सीरिया के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है, कहा कि यदि उनके प्रशासन ने एक और रासायनिक हमला किया तो इसका भारी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा, अगर असद सरकार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करती है तो उनकी सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए। सब